कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, तो एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह ना तो देश का सम्मान करते हैं ना ही सेना का। जब भी राष्ट्र के सम्मान की बात आती है तो दिग्विजय सिंह राहुल के इशारे पर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे देश और सेना का मनोबल गिरता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक और बयान कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा है। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब भी राष्ट्र के सम्मान की बात आती है तो दिग्विजय सिंह हमेशा राहुल गांधी के इशारे पर बयान देते रहते हैं। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, देश के गौरव की बात पर अपने बयानों से सेना और देश का मनोबल गिराया है, देश के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। वह भारत जोड़ो यात्रा में भी देश के अपमान वाले बयान देते रहते हैं। कमलनाथ को दिग्विजय सिंह के बयान पर स्थिति साफ करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि उनकी पार्टी की मंशा क्या है। जब भी राष्ट्र के स्वाभिमान का सवाल आता है, सम्मान का सवाल आता है, दिग्विजय सिंह ऐसा करते हैं। वो राहुल गांधी जी की यात्रा के प्रभारी हैं और मेरी निजी राय यह है कि उनके इशारे पर ही उन्होंने बोला है। कमलनाथ जी को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, वो बताएं कि दिग्विजय सिंह जी की राय से वो सहमत हैं या नहीं है, एक बात। दूसरी बात, देश के सम्मान और स्वाभिमान में जिस तरह से दिग्विजय सिंह बोलते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक चाहे वो एयर स्ट्राइक, आप ये मानिए चूंकि सेना कश्मीर के अंदर मुस्तैदी से माइनस डिग्री पर भी है और उसके बावजूद भी सेना का मनोबल तोड़ने का ये कुत्सित प्रयास जो उन्होंने किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये तो ऐसा करके अपने आप को बचाती है, कांग्रेस पहली बार नहीं दिया है, फिर भी यात्रा के प्रभारी है, पहली बार नहीं दिया है, तब देते थे, तब भी महासचिव थे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।